अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। इतवार 27 मार्च को आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जनरल बॉडी का खसूसी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ तरमीम की गई। इस मौके पर कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्ट्स कौंसिल में अहमद शाह का मेम्बरान के साथ जो शफकत और प्यार का रिश्ता है वो कोई नहीं तोड़ सकता। इसकी वजह से हर मेंबर अहमद शाह पर आंधा इत्माद करता है और वो उनकी हर बात पर फौरन अमल करता है। आर्ट्स कौंसिल ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बन गया है। उर्दू कॉन्फ्रेंस हो, यूथ फेस्टिवल हो और दूसरे प्रोग्राम हो, पूरी दुनिया में लोग आर्ट्स कौंसिल को इन प्रोग्राम की वजह से जानते हैं। इस खसूसी जनरल बॉडी के इजलास से खिताब करते हुए सदर आर्ट्स कौंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने कहा कि हम जब आए थे तो आर्ट्स कौंसिल एक छोटा सा अदारा था, यहाँ पर बहुत कम प्रोग्राम होते थे, लेकिन हमने मेहनत की और हमारी टीम ने काम किया और आज आर्ट्स कौंसिल करोड़ों रुपए की फंडिंग कर रहा है। हर फनकार को, आर्टिस्ट को जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद करता है। सैकड़ों मुलाजमीन आर्ट्स कौंसिल में काम कर रहे हैं और आर्ट्स कौंसिल के प्रोग्राम उर्दू कॉन्फ्रेंस, यूथ फेस्टिवल, खवातीन कॉन्फ्रेंस और दूसरे प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखे और पसंद किए जा रहे हैं। इसकी वजह से ही आर्ट्स कौंसिल पूरे पाकिस्तान में फैल गई है और आने वाले दिनों में आर्ट्स कौंसिल इस्लामाबाद में, लाहौर में, पेशावर में और दूसरे शहरों में उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करेगी। इसके अलावा दुबई, लंदन और बाकी दुनिया में भी उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जाएंगी, जिसमें उर्दू बोलने वाले शरीक होंगे और आर्ट्स कौंसिल कराची का नाम पूरी दुनिया में मशहूर होगा और हो रहा है। ये सब फर्द वाहद की वजह से नहीं, पूरी टीम की वजह से है। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ जो हमेशा हमारा साथ देते और दे रहे हैं। इस इजलास में एक रिकॉर्ड तादाद में आर्ट्स कौंसिल के मेम्बरान ने शिरकत की और आइन में तरमीम की हमायत की, जिसके बाद ये इजलास मुनक्कद हुआ और इसकी मुख्तलिफ शकें अहमद शाह ने पढ़कर लोगों को सुनाई, जो उन्होंने खुश दिली से कबूल की और हाथ खड़े कर के इनको मंजूर किया, जिसके बाद कमिश्नर कराची ने खिताब किया और आखिर में शानदार अशाइये का एहतमाम किया गया था। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी, देखते रहें पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।